नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की खास खबरों के साथ। जहां बांदा पीडब्ल्यूडी प्रांतीय खंड बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा, शिकायतकर्ता द्वारा भ्रष्टाचार की शिकायत किए जाने पर मंडलायुक्त टीएसी को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद भी प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता ने टीएसी टीम को जांच संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। वही जांच प्रांतीय खंड में लगातार हो रहे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए अधिशासी अभियंता राजाराम मथुरिया रोज नए नए हथकंडे अपनाते हैं, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने एक बार फिर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र सौंपा और कार्रवाई की मांग की। मैं आपका सुशील त्रिवेदी, पूर्व अध्यक्ष शासन। किस बात को लेकर ज्ञापन दिया आज आप लोगों ने? आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के को संबोधित ज्ञापन दिया है। जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में उप जिलाधिकारी ज्ञापन लेने आई थी और उनको हमने बताया है कि प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा है। साक्ष्यों के साथ जिस प्रकार से हमारे द्वारा शिकायत की जा रही है, उन सारी शिकायतों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। वही अगली खबर जनपद प्रयागराज से, जहां करेली थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर में चीख पुकार की आवाज सुनाई देने लगी। जब मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे तो देखा कि पड़ोस के एक घर में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आरनफानन में लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो अंदर से एक युवक एसिड फेंकने लगा। देखते ही देखते कई थाने की फोर्स मौके पर पहुंच गई। घंटों मशक्कत के बाद किसी तरह युवक को बाहर निकाला गया। इस पूरी घटनाक्रम में युवक ने अपने ही परिवार के आधा दर्जन लोगों को घायल कर दिया। इसमें आरोपी की मां की मौत हो गई, वही परिवार के कई लोग घायल हो गए। फिलहाल आरोपी को पकड़कर थाने ले जाया गया और गहनता से पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस घटना को क्यों उसने अंजाम दिया, इसकी पड़ताल की जा रही है। 17 जुलाई 2023 को थाना मंगवाइमा में रात्रि को एक लिखित तहरीर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उन्हीं की जो बच्ची है, 10 वर्षीय एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म की सूचना मिली। इसमें तत्काल एक्टिव होकर एसीपी फूलपुर द्वारा और थाना प्रभारी द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और रिकॉर्ड 16 घंटे में अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। बच्चे का मेडिकल परीक्षण करा लिया गया है और जल्दी बयान कराकर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अगली खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद में हुई दुखद घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि चमोली जनपद में बिजली के करंट लगने से 15 लोगों के घायल और हताहत होने की सूचना मिली है, जिसके बाद जिलाधिकारी चमोली को घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। वही बचाव दल घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को हायर सेंटर रेफर करने के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं ली जा रही है। वही सरकार और प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। चमोली जनपद में बहुत दुखद घटना घटित हुई है, उसके समाचार मिल रहे हैं, जिसमें अभी 15 लोगों के लगभग घायल और हताहत होने की सूचना मिली है। इस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए गए हैं। सभी बचाव दल, जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और अन्य बचाव दल वहां पर पहुंच गए हैं, जो बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। इस घटना के मजिस्ट्रियल जाँच के आदेश कर दिए हैं। अगली खबर हरिद्वार से, जहां एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान गैर हाजिर मिले 25 पुलिसकर्मियों के एक दिन का वेतन रोकने के लिए आदेश भी दिया। वही 23 पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा गया और अग्रिम आदेश तक वेतन रोके जाने को कहा गया। बताया गया है कि पुलिसकर्मी कांवड़ मेले के बाद इधर उधर सुस्ती उतारने में लगे थे। उन्हें उम्मीद भी नहीं थी कि एसएसपी अचानक उनके टेबल पर पहुंच जाएंगे। निरीक्षण की जानकारी मिलते ही पुलिसकर्मी आनन फानन में गिरते पड़ते दफ्तरों की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तब तक पुलिसकर्मी नदारद पुलिसकर्मियों की सूची बना चुके थे। इस कार्रवाई से हरिद्वार पुलिस मुख्यालय के अलावा जिले भर के पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया है।
कांवड़ यात्रा चूँकि समाप्त हुई थी, उसके बाद सभी लोग को निर्देश थे कि काफ़ी सारे काम इस पर जो पेंडिंग हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पब्लिक जो आ रही जिनके काम रुक जाते हैं, इस कारण से सभी को निर्देश दिए गए थे कि ऑफिस में लगातार निरंतर उपस्थित रहकर कार्य करें, जो भी चीज़ें उसको सुचारू रूप से फिर से कार्यों को किया जाए। इसको देखते हुए कल एक औचक इसमें चेक कराया गया था, तो इसमें 25 पुलिसकर्मी पता चला कि विभिन्न अपने डेस्क पर या ऑफिस में मौजूद नहीं थे, इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी भी थे। अगली खबर जनपद चमोली से, जहां आज बहु प्रतीक्षित महाविद्यालय का कैबिनेट मंत्री, उच्च शिक्षा धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा, पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह ने दीप प्रज्वलित कर नवनिर्मित महाविद्यालय का लोकार्पण किया। इसके साथ ही महाविद्यालय के लोकार्पण समारोह का आगाज हुआ। वहीं इस अवसर पर सरकार से जुड़े स्थानीय और जिला स्तरीय जनप्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। इसी क्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना और अतिथि स्वागत में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। अगली खबर ऋषिकेश से, जहां चमोली हादसे के घायलों को एम्स ऋषिकेश लाया गया। गंभीर घायलों को इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया, वहीं और भी मरीजों के आने की शंका जताई जा रही। वहीं अगली खबर हरिद्वार से, जहां लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार गए हैं। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जहां विपक्ष एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा, तो वहीं एनडीए गठबंधन भी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो बार बनारस से चुनाव लड़े और बड़े अंतर से जीत दर्ज करने के बाद आज बनारस में चौमुखी विकास हो रहा है। इसको देखते हुए जनहित हस्ताक्षर अभियान समिति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बार हरिद्वार से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही, और इसके लिए बकायदा हस्ताक्षर अभियान के तहत 10 लाख से ज्यादा लोगों के हस्ताक्षर कराए गए। अगली खबर हरिद्वार से, जहां हरिद्वार में 29 जुलाई को होने वाले मुहर्रम के त्यौहार को सकुशल संपन्न कराने को लेकर हरिद्वार पुलिस ने खाका तैयार कर लिया है। आने वाली 29 जुलाई को मुहर्रम के त्यौहार को लेकर हरिद्वार पुलिस प्रशासन सख्ती के साथ चौकन्ना हो गई है। प्रत्येक थाना स्तर पर गणमान्य लोगों के साथ समीक्षा बैठक कर हालात देखे जाएंगे। वही अगली खबर चंपावत से है, जहां पहाड़ी नाले से मलबा आने के चलते विगत 2 हफ्ते से बंद पड़े टनकपुर पूर्णागिरी मार्ग का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भट्टारी द्वारा बाटनागाड़ क्षेत्र का निरीक्षण कर हालातों का जायजा लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जल्द से जल्द मार्ग पर आया मलबा हटाने हेतु निर्देशित दिया गया। वही मीडिया को जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि पूर्णागिरी मार्ग पर 2010 और 2013 के बाद इतनी बड़ी मात्रा में मलबा आया है, कहीं कहीं तो 12 मीटर से 8 मीटर तक की मोटाई का मलबा मार्ग पर आ गया है, जिसे लगातार जेसीबी मशीनों और पोकलैंड मशीनों द्वारा हटाने का कार्य जारी है। अब मात्र 30 मीटर का क्षेत्र ही मलबे से बंद है, जिसे मौसम साफ रहने पर आज शाम या कल तक खोल दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारे द्वारा क्षेत्र का भू वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण सर्वे भी करवाया जाएगा, जिससे कि भविष्य में मलबा आने की समस्या का निदान किया जा सके। वही अगली खबर सितारगंज से, जहां भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पुनर्स्थापना के विरोध में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उनके द्वारा पुरानी कमेटी को गठित कमेटी बताते हुए आरोप लगाया गया कि कथित कमेटी ने कुछ सदस्य पदाधिकारी संस्था पर अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का दावा करते हैं, और तो और सामाजिक धरोहर को खुर्द ब्रिज करने की मंशा से संस्था का विकास और विद्यालय संचालन में भी रुचि नहीं लेते। इसको लेकर समाज में आक्रोश व्याप्त है। कमेटी के कई सदस्यों द्वारा पूर्व में पत्राचार द्वारा अनुमति भी दी गई है कि कमेटी अत्यंत ही निष्क्रिय हो रही है और नई कार्यकारिणी तथा प्रबंधन समिति बनानी चाहिए।
लोगों ने उपजिलाधिकारी से ये मांग की है कि मूर्ति के पुनर्निर्माण पर तत्काल रोक लगाई जाए और समस्या के समाधान हेतु अंबेडकरवादी समाज की एक खुली बैठक बुलाकर प्रशासन द्वारा विचार विमर्श किया जाए। तो संस्था 2 साल से रिनेबल नहीं है। मैं उसका पूर्व प्रबंधक हूँ और हमारी कमेटी के कुछ लोग आकर के यहाँ पर कमेटी के जो पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने माननीय SDM साहब को एक ज्ञापन दिया कि विश्वनारायण जो संस्था के सदस्य हैं वो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दे रहा है और जो उसमें अंबेडकर भवन बन रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जो इतना बड़ा समाज हमारा यहाँ पर एकत्रित हुआ था उस मूर्ति का विरोध, उस मूर्ति को हटाने की कवायद मेरी अकेले की नहीं है। वही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।